Okay, now why we have gathered over here? Do you all know? No. Can you see the banner? What is written on that? Yes, Pariksha Pe Charcha. Now, who has started this initiative? Kaun karta hai ye sab? Yes, Honorable Prime Minister Modi ji. So, various programs are held for Pariksha Pe Charcha. And today, all the teachers are going to tell you something that will help you out during your exams. Right? Exams sabko deni hoti hai? Exam ke din tension hota hai? Why? Kyun tension hota hai? Haan, kyunki hum preparations proper nahi karte. Right? है ना? तो सबसे पहली बात क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ वेरी वेल. दिस इज स्पेशली फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू 10th. राइट? यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, देन द टेंशन वुड बी लेस. बट वॉट वी डू, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट प्रिपेयर. राइट? वी थिंक के लास्ट दिन हम रीड करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड देन द एग्जाम कम्स एंड वी आर ऑल इन stress, right? Then we feel that we will be able to complete the paper, we will know all the answers, everything, all sort of things come in your mind, right? Right? Now these teachers are going to tell you something that will help you out during your exams. Okay, over to Payal ma'am. Pariksha Pe Charcha. Good morning. Pariksha Pe Charcha is a part of the larger movement Exam Warriors, led by our Prime Minister Shri Narendra Modi, to create stress-free atmosphere for youngsters. Now, Pariksha Pe Charcha aims to transform stress into success, enabling exam warriors to ace exam with a smile. Thank you. Always seek knowledge. Learning is more about understanding than just getting marks in exam. Learning stays with you, so always ask questions and let curiosity lead the way. PM Modi gave an example in his book Exam Warrior, says that doctors and lawyers whose marks are not required before any consultation. Thank you. It is expectation. You have seen that your parents have some kind of expectation with you. Your teachers also have some kind of expectation from you. Everyone wants ki tumhe achhe marks mile exam mein. But what is necessary is to have your own expectation. It is important to set your own goal, set your own expectation. आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. आसपास वाले लोग तो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन. यू हैव सीन योर मार्क्स थ्रू आउट, आपने देखे हैं अपने मार्क्स पिछली क्लास में, इस क्लास में भी एग्जाम हुए होंगे, सो यू हैव सीन योर सेल्फ. Now it's up to you how you will improve yourself. So set your own expectation, set your own goal. जब तक आप खुद की एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीच द फाइनल सीट. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आप खुद सोचें कि आपको कितने मार्क्स चाहिए. बिफोर योर पेरेंट्स आस्क समथिंग, बिफोर योर टीचर्स आस्क समथिंग फॉर यू, आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट यू वांट फॉर योर सेल्फ. दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, लोगों ने आपके सामने बोला है, आपको बताया है, समझाया है कि किस तरह से आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना. मैं भी ऐसा ही, मेरा भी ऐसा मानना है कि जो आपने अभी तक तैयारी की है अपनी, उसको उसमें आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें. क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि आपने पढ़ा तो सब कुछ होता है, लेकिन पेपर देखते हैं या पेपर देने जा रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या आएगा, क्या आएगा, क्या याद रहेगा, क्या भूल जाएंगे, ऐसा सब बहुत घबराहट के साथ आप लोग करते हैं. तो वो बिल्कुल नहीं करना है. जो आपने पढ़ा है विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए कि जो आपने पढ़ा है सब कुछ उसी में से आना है, कोई कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आता है. इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं परीक्षा से. और दूसरी चीजें आपको बताना चाहूंगी कि एक रहीमदास जी ने बोला है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए भूले, सब साधे सब जाए. इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि लास्ट लास्ट टाइम पे ये भी देख लें, वो भी देख लें, वो भी देख लें,
ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी है आपको परीक्षा से पहले सब देख लेना है, जो समझना है समझ लेना है। लास्ट टाइम पे आपको जो भी ऐसा लगता है कि नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसको ही लेके चलिए आप। अगर आप एक चीज़ को एक समय में एक काम को करेंगे तो आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और एक साथ आप ये भी करें ये भी करें ये भी करें, उस चक्कर में आपके एक भी काम सही नहीं होंगे और पूरे नहीं होंगे। धन्यवाद। Today I tell you something about confidence. Okay? So be confident when you go for your exam. Okay? Whatever you have prepared, that will come back to you if you have done it very properly, learned very properly. Don't enter the examination hall under any sort of pressure. Pressure लेके नहीं जाना है एग्जाम में। आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपको याद आ जाएगा। शुरू में आपको ऐसा लगता है कि हम ये भूल गए, ये नहीं याद आ रहा है, पर जैसे ही आपको क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको याद आने लगेगा धीरे धीरे। तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और सोचिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको लिखना है उसमें। सेकेंड थिंग, अ टेम्पररी सेटबैक इज डजंट मीन दैट सक्सेस इज नॉट is not yet to come, but it always means that success is waiting and you will always get it. आप ऐसा सोच सकते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हमें याद नहीं आ रहा है, हमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, पर एक छोटा सा पड़ाव है उसमें आपको डरना नहीं है। धीरे धीरे वो सक्सेस आपके पास आ जाएगा। एक बार दो बार अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। थैंक यू। Today I will start my talk with a short story. Have you heard about the story movie Prince Fail? Yeah. Okay, most of the students have seen this movie, right? Yeah. So here an IPS officer, inspired by an IPS officer, even he was Prince Fail, but he later on he has worked very hard and he got success. So I want to say that most of the people who are ordinary and very normal, when they do extraordinary deeds, they got success and they achieve new heights of the success. So be ordinary and do extraordinary things. Thank you very much. तो हर बच्चा अपने अपने तरीके से पढ़ाई कर ही लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या उसको पढ़ा हुआ आसानी से याद करने में होती है। तो ये समस्या हल करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार ध्यान से पढ़े, रटने से अच्छा है कि आप सोच समझ कर ध्यान से पढ़े, और सुबह के समय पर पढ़ा हुआ आसानी से याद रहता है। तो आप जब भी पढ़े तो सुबह के समय पर पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको याद रहेगा, वो वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप पे आत्मविश्वास, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। अगर आप अपने पे भरोसा बनाए रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। तो एग्जाम में पहले तो टेंशन नहीं लेना है ना, सबको सब कुछ आता है। अपने आसपास ऐसे चार पांच पॉजिटिव लोगों को हमेशा रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, है ना। और अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए, पढ़ाई का नहीं, सुबह उठने से रात को सोने तक का अपना खुद का टाइम टेबल। सुबह मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, उसमें अपना फोकस कीजिए। सुबह आपकी शुरुआत होनी चाहिए ये सब चीजों से, पॉजिटिव चीजों से, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्र शक्ति, राइट। फिर पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। ब्रेक इन द सेंस, आपको किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी हॉबी हो, पढ़ाई के बीच में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। अच्छी नींद ले, अच्छा खाए, तन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मन अच्छा रहेगा, राइट। और डायरी लिखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डायरी लिखें। डायरी में क्या, आपके कोई भी नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, जो भी आपके मन में आता है डायरी लिखें। और टू डू लिस्ट, सुबह उठते ही ये एक लिस्ट बनाओ कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है,
और जैसे ही काम होते जाए उसको टिक लगाते जाओ, आपका काम भी इजीली होगा, टेंशन भी नहीं होगा और सब अच्छा होगा। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। Examination is not the last part of your life. Have faith on yourself because you have the quality. You have enough time to do everything. There is no lack of time, but there is lack of time management. Thank you. आज का मेरा टॉपिक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग तीन चीजों में होता है। एक ही टाइम टेबल 365 दिन हमें काम आता है, नहीं आता ना? यस और नो? तो समय का सदुपयोग हमें जितना भी टाइम मिलता है ना, हमें उनका पूर्ण हिसाब से समय का सदुपयोग करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। आपका माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तुम्हारी जे एग्जाम हो छे ए एग्जाम ने एक त्योहार तरीके उठावी छे। જ્યારે તહેવાર હોય છે ત્યારે તમે આગળથી પ્રિપેરેશન કરો છો, અને એવી જ રીતે આપણે પરીક્ષા હોય છે ત્યારે એક્ઝામને પણ આપણે તેની પ્રિપેરેશન કરતા હોઈએ છીએ। અને જ્યારે આપણા હાથમાં જ્યારે એક્ઝામ વખતે પેપર આવે છે ત્યારે પેપર જોઈને આપણે બધું ભૂલી જતા હોય છે, તો આપણને પછી ઘરે જઈને યાદ આવે છે કે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર તો મને આવડતો હતો, પણ આગળનું જે લખેલું હોય છે ફર્સ્ટ લાઈન એ તમને યાદ નથી આવતું, અને ઘરે જઈને યાદ આવે છે કે આ ક્વેશ્ચન તો મને આખો આવડતો હતો। તો તમને જે આગળનું નથી આવડતું એને ભૂલી જાઓ, અને જે પાછળનું યાદ આવે છે તે તમે ત્યાંથી લખીને ત્યાંથી શરૂઆત કરી શકો છો, અને જે ઇઝી ક્વેશ્ચન છે તેને પહેલાં લખો, અને અઘરા પ્રશ્નોના જે જવાબ છે જે તમને નથી આવડતા તે તમે તેને લાસ્ટમાં રાખો। થેન્ક યુ। My topic is timetable, okay? Timetable makes man perfect, okay? So make a timetable and strictly follow that timetable, and in that timetable mention the relax time also and the meditation time also, and also group discussion. What mean by group discussion? Group discussion is makes the deeper knowledge of each topic and feels relaxed and permanently it feel memorized. Thank you. Good morning everyone. Good morning. First of all, say it properly all of you. So I think so all the teachers has they all have given you something, some knowledge, especially for class 6 to 10. So you all heard them. I just want to conclude with the 5 powerful lines for you. Ek saath sabhi ko ye lines ko mere saath bolna hai. First of all I'll speak, then you have to repeat, theek hai? This 5 great lines I said by डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपको नहीं बोलना ही है। वेट, चलिए रेडी। सो क्लास 1 से लेकर 10 सभी लोग बोलेंगे जोर से। ओके ओके। द फर्स्ट लाइन इज आई एम द बेस्ट। द सेकेंड लाइन इज आई कैन डू इट। The third line is God is always with me. God is always with me. The fourth line is I am a winner. I am a winner. And the fifth line is today is my day. Today is my day. बस ये 5 लाइन, जब भी डिप्रेशन आओ तो बोल दो। मजा आया ना? लगा ना आप ताकतवर होगे? नहीं? So that is all about class 9th, 10th or all from 6 to 10. Apne aap ko motivate rakhe by speaking this 5 lines.
whenever you feel low.